राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कॉटन की समर स्पेशल ड्रेस, जिसको आप तीन तरीक़ों से पहना सकते हैं कान्हा जी को। ये ड्रेस कम सूट है। अगर आप भी चाहते हैं कि मल्टीपल वेज में पहनने वाले सूट या ड्रेसेस आप बनाना सीखें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने इस तरह से कॉटन की स्ट्रिप ले लेनी है। ये मैंने 22x2.5 inches के लिए है। ये मैं 2 से 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। इसको 3 साइड से हमने हैमिंग देनी है, इस तरह से ब्रिक ब्रिक हैमिंग देनी है। फोर्थ साइड पे हैमिंग नहीं देनी, फोर्थ साइड पे हमें चुन्नटें ऐड करनी है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। सबसे पहले आप 3 साइड्स को हैम कर लीजिए। ये देखिए मैंने हैमिंग कर ली है। हैमिंग करने के बाद फोर्थ साइड में कुछ इस तरह से हम चुन्नटें ऐड करेंगे। ये चुन्नटें हमने इतनी ऐड करनी है जिससे कि जो ऊपर वाला साइज़ है वो वेस्ट साइज़ के बराबर का रह जाए, इस तरह से। तो ये चुन्नटें मैंने ऐड कर ली है। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है वेस्ट पे लगाने के लिए, जिसमें हम डोरी इंसर्ट करेंगे। इसको इस तरह से रखते हुए चुन्नटों के ऊपर ही इसको हमने स्टिच कर देना है। ये 1.5 inches की स्ट्रिप है और लेंथ इसकी वेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। तो ये देखिए, ये स्टिचिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उल्टी साइड पे, और इसके अंदर हम डोरी इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, तो डोरी इंसर्ट करके ये स्टिच हो गया है। अब इसको हम जब टाई अप करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड शेप का घेरा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, तो ये घेरा बन के रेडी है। अब बारी आती है सूट बनाने की। तो सूट बनाने के लिए हमने क्या करना है, अगेन एक स्ट्रिप लेनी है सेम फैब्रिक की। आप चाहो तो कंट्रास्टिंग फैब्रिक की ले सकते हो। ये मैंने यहाँ पे 7x2.5 inches की ली है। इसको एक साइड से सिंपली हैम करेंगे और एक साइड से हैमिंग के टाइम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक आपको डोरी वाला इंसर्ट करना है। अगर डोरी इलास्टिक नहीं है आपके पास तो सिंपल डोरी भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए, दोनों साइड से हैमिंग हो गई है। अब हम इसको इलास्टिक को खींच लेंगे, एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट करेंगे, नोट टाई अप कर लेंगे, वेस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक रख लेंगे सिर्फ इसमें। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा इलास्टिक को खींच के कट कर देंगे, और यहाँ पे आपको 2-3 नोट्स लगानी है। अब हम इसके साइड का स्टिच करेंगे लगाएंगे जो कि ओपन साइड रह गई है। तो ये देखिए, साइड स्टिच लगाने के बाद ये कुछ इस तरह की शेप बन के आएगी। इस स्टिच को हम मिड में लेके जाएंगे, देन हम इस पर वी स्टिच लगाएंगे। इस तरह से सेट कर लीजिए पहले से ही, और यहाँ पे वी स्टिच लगा लीजिए। ये स्टिच बिल्कुल मिड में आना चाहिए। तो यहाँ पे वी स्टिच लगा के ये जो है निक्कर पजामी जो है बन के रेडी हो चुकी है। इसके वी स्टिच के इनसाइड वाला फैब्रिक हम कट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब बारी आती है चोली की। इसको हम सीधा टर्न आउट करेंगे तो ये निक्कर तो बन के रेडी हो चुकी है। बारी आती है चोली की। चोली के लिए भी हम सेम इसी फैब्रिक की स्ट्रिप लेंगे। आप कंट्रास्टिंग फैब्रिक जहाँ चाहो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से ये पजामी बन गई है। तो अब बारी आती है चोली की। चोली के लिए मैंने सेम फैब्रिक की स्ट्रिप ले ली है। ये स्ट्रिप आपको 2x1.5 inches की लेनी है। ये एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा मैं कट कर रही हूँ। इसको इस तरह से तिरछा कट करना है। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पीस बन के आएगा। ये देखिए, इस तरह का पीस आना चाहिए, नेक से कम और वेस्ट से ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, इसकी हैमिंग करेंगे। हैमिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे रिबन यूज़ किया है। अगर आप सिंपली फैब्रिक से ही हैम करना चाहते हैं तो इसको 2x2.5 inches का लीजिए, देन कट करिए स्ट्रिप को। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रिबन की हेल्प से हैमिंग कर लूँगी। 3 साइड्स में हैमिंग कर ली है। एक डोरी ली है मैंने सेम फैब्रिक की, वो मैं ऊपर वाली साइड पे लगा दूँगी जो कि नेक के अराउंड टाई अप हो जाएगी। अब मैं इसको जो पजामी है उसके साथ अटैच करूँगी कुछ इस तरह से मिड को मिलाते हुए हमें अटैच करना है। तो ये अटैच हो गया, तो ये सूट बन के रेडी हो चुका है। ये जंप सूट है और ये घेरा है। अब हम घेरे पर क्या करेंगे, एक डोरी बनाएंगे। मैंने वाइट फैब्रिक की बनाई है, आप चाहो तो रिबन की भी लगा सकते हो। इसको इस तरह से अटैच करेंगे तो ये कुछ इस तरह का सूट और इस तरह की ड्रेस बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको पहनाने के बाद ये देखिए, ये है जंप सूट का लुक, फर्स्ट लुक है इसका। आप सिंपल जो है जंप सूट पहनाओ। मैंने इसके साथ हैट भी बना ली है, आप मैचिंग की कैप, कॉटन कैप बना सकते हैं इसके साथ।
तो ये फर्स्ट लुक हो गया इसका। देन सेकंड लुक है, हम इसी के ऊपर घेरा जो है वो पहना देंगे। तो ये है सेकंड लुक। ये वेस्टर्न ड्रेस जैसा नहीं आएगा, अलग आएगा, क्योंकि इसमें जो चोली के घेरे के साथ हमने जो स्ट्रिप ऐड की है उसका भी लुक आएगा। थर्ड लुक है ये, हमने सिर्फ ड्रेस को पहनाया, सूट को नहीं पहनाया। तो इसके टोटल 3 लुक्स है। आपको कौन सा लुक पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। राधे राधे फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।